सच तो यह है कि मुझे सिर्फ तुमसे हमदर्दी है। तुम पर तरस खाकर मैं स्टैंड ले रहा हूं तुम्हारे लिए। इससे आगे कुछ भी नहीं है। मैं कोई अपाहिज हूं जो आप मुझ पर तरस खाते हैं? देखो, तुम फिजिकली बिल्कुल ठीक हो लेकिन दिमागी तौर पर थोड़ा वीक हो। दिमाग ना मेरे पास आपसे ज्यादा है, ठीक है? कोई भी चीज एक दफा देख लू ना तो भूलती नहीं हूं, चाहे कोई गेम हो, कोई भी चीज हो। मेरी बात सुनो, क्या तुम ये समझती हो कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं, एक मुंशी की बेटी हो? मैं ना आपको बता चुकी हूं, मुझ पर हुक्म चलाने का आपको कोई हक नहीं है। मैं तुम पे हुक्म नहीं चला रहा, सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं महापारा, और उम्मीद करता हूं कि तुम अब अपने घर तक महदूद रहोगी। क्यों? क्योंकि नौकरों को नौकरों के हिस्से में रहना चाहिए। ये कहां था? तुम्हारे पास कैसे आया ये? समझाएं इसे कि कोई चीज किस्मत से मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये गाड़ी में लेकर ही नहीं गई। तो कैसे पहुंचा ये गाड़ी तक? मैं लेकर गया। मैंने तुमसे कहा था ना, मां पारा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। मां पारा, आइंदा अगर तुमसे कोई इस तरह की बात करे बिला वजह तो मुझे बताना। ये वापस करने नहीं आई थी मॉम, अपनी कीमत बताने आई थी। जो कुछ इसे राइड ने दिया है, ये कह रही थी कि अगर वही कुछ मैं भी इसे दूं तो ये मेरे साथ भी, और पता नहीं क्या क्या मॉम मैं कह भी नहीं सकता। बस कर दें, किस तरह की बातें करें आप लोग? हो सकता है कि कोई गलत फहमी हुई हो, ये इस टाइप की लड़की नहीं है। ये ऐसी ही है राइड, अगर ऐसी नहीं है तो इसे पूछो ये मेरे कमरे में आकर मुझे क्यों उकसा रही थी। ये झूठ बोल रहे हैं, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम इनके कमरे में क्यों गई थी? देखो प्लीज बता दो, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्लीज बता दो यार।